हे गाइस, दिस इज रोहित कतरी एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाए, सब्सक्राइब लिखा हुआ है, लाल कलर का बटन है, उस पर क्लिक करें, सब्सक्राइब हो जाएगा, बिल्कुल फ्री है। उसका फायदा ये होगा, जब भी मैं अपनी वीडियो फ्यूचर में अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली अपने फ़ोन, मोबाइल, आपके टैबलेट्स, आपके पीसी में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि जो मेरी वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है। तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर, हम हॉस्टल में रहते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, हमें एक पूरे दिन में मिनिमम अमाउंट कितना चाहिए, कितने रुपीस चाहिए, कितने रुपए चाहिए पूरे दिन में, जिससे हमारी एक बहुत बेस्ट फिजिक बन सके। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक मिनिमम अमाउंट पूरे दिन में इतने रुपए चाहिए और पूरे महीने में इतने रुपए चाहिए एक बहुत बेस्ट फिजिक बनाने के लिए। आज मैं बात करूंगा बेस्ट फिजिक बनाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए, चीप से चीप, सस्ते से सस्ते में आप बेस्ट फिजिक कितने में बना सकते हो। तो मैंने आज कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट बनाई है, वो मैं आपको बता दूंगा सारे फूड आइटम्स, अगर हो सका तो, इफ़ पॉसिबल। मैं आपको पूरे फूड आइटम्स की जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और हो सका तो, अगर नहीं डाल पाऊँ तो उसके लिए सॉरी, पहले ही मैं बोल देता हूँ उसके लिए सॉरी। तो कुछ लोग सोचते हैं ये खर्चा आपका लाखों में पड़ता है, कुछ सोचते हैं ये खर्चा आपका हज़ारों में पड़ता है, कुछ सोचते हैं आपकी बॉडी दूध केले से बन जाएगी। तो वो कितना अमाउंट है, पूरे दिन में हमको कितना बजट चाहिए, तो आज मैं उसी बजट की बात करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, पूरे मंथ में आपको कितना बजट चाहिए और पूरे दिन में आपको कितने रुपये चाहिए एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए। तो मैं बात करूँगा फूड आइटम की, आपको कौन कौन से फूड चाहिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए पूरे दिन में, उसकी कॉस्ट कितनी पड़ेगी, और उसमें प्रोटीन कितना होगा, उसमें कार्ब कितना होगा, और फैट तो आपके लिए उसमें ऑलमोस्ट हेल्दी होगा, तो वो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करते हैं मंथली कॉस्ट ऑफ मसल बिल्डिंग फूड नंबर वन की। जो पहला फूड आपको चाहिए मसल बिल्ड के लिए वो है एग्स। एग्स आपको कितने चाहिए पूरे दिन में, 10 अंडे। 10 अंडे आपको कितने के पड़ेंगे, 40 रुपये के। 40 रुपये में आपको 44 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। सेकंड फूड आइटम है वो है चिकन। चिकन आपको पूरे दिन में कितना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम आपको कितने रुपए का पड़ेगा, 25 रुपये का। 25 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, 31 ग्राम प्रोटीन और 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। थर्ड फूड आइटम है दूध, मिल्क। मिल्क आपको पूरे दिन में कितना चाहिए, मिल्क आपको चाहिए आधा लीटर। आधा लीटर आपको कितने रुपए का पड़ेगा, 26 रुपये का। 26 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, 20 ग्राम प्रोटीन और 20 ही ग्राम कार्बोहाइड्रेट। चौथा फूड आइटम है वो है पनीर। पनीर आपको पूरे दिन में कितना चाहिए, 100 ग्राम। 100 ग्राम की सर्विंग आपको कितने की पड़ेगी, 22 रुपये की। 22 रुपये में आपको क्या मिल रहा है, 20 ग्राम प्रोटीन और 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। फैट होता है पनीर में। फिफ्थ फूड आइटम है वो है ओट्स। ओट्स आपको पूरे दिन में कितने चाहिए, वो है 100 ग्राम। 100 ग्राम ओट्स आपको कितने रुपए के पड़ेंगे, वो है 17 रुपए के। 17 रुपए में आपको क्या मिल रहा है एक सर्विंग में, वो है आपको 6 ग्राम प्रोटीन और 54 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। छठा फूड आइटम है वो है पीनट बटर, मूंगफली का घी। वो आपको पूरे दिन में कितना चाहिए, 2 स्पून, 2 चम्मच। 2 चम्मच में आपको कितने रुपए की पड़ेगी सर्विंग, 7 रुपए की पूरे दिन में। उसमें आपको क्या मिल रहा है, 7 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और हेल्दी फैट। सातवा फूड आइटम है आलमंड्स, बादाम। बादाम आपको पूरे दिन में कितना चाहिए, 30 ग्राम। 30 ग्राम बादाम कितने के मिलेंगे, 17 रुपए के। 17 रुपए में आपको क्या मिल रहा है एक सर्विंग में, 7 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम फैट, 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। आठवां फूड आइटम है पीनट्स, मूंगफली। मूंगफली आपको कितने रुपए की पड़ेगी, 30 ग्राम चाहिए आपको। 30 ग्राम मूंगफली पड़ेगी आपको 7 रुपए की। 7 रुपए में मिलेगा आपको 7 ग्राम प्रोटीन, 7 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 7 ही ग्राम हेल्दी फैट। नौवां फूड आइटम है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस आपको पूरे दिन में चाहिए, वो है 50 ग्राम की सर्विंग आपको चाहिए। 50 ग्राम की सर्विंग आपको पड़ेगी 8 रुपए की। प्रोटीन होगा 6 ग्राम और कार्बोहाइड्रेट होगा 45 ग्राम। दसवां फूड आइटम है आपका वीट ब्रेड। वीट ब्रेड की आपको 4 स्लाइसेस चाहिए एक सर्विंग, पड़ेगी आपको 10 रुपए की। उसमें होगा 8 ग्राम प्रोटीन और 48 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। ग्यारहवां फूड आइटम है आपका आलू, पटेटोज। पटेटोज आपको चाहिए 200 ग्राम। 200 ग्राम कितने रुपए के पड़ेंगे, वो है 2 रुपए के। 2 रुपए में आपको मिलेगा 1 ग्राम प्रोटीन और 40 ग्राम
कार्बोहाइड्रेट पावर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पोटैटोज। वाओ, 12वां फूड आइटम है वो है वीट रोटी, जो आप मेरे सबके घरों में गेहूं की रोटी बनती है वो, जो अगर वो परचेज करना चाहते हैं जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं उनको 2 रोटी पड़ेगी 6 रुपए की, 6 रुपए में आप उनको मिलेगा 8 ग्राम प्रोटीन और 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। रोटी बेस्ट। 13वां फूड आइटम है बनाना। बनाना मतलब केला। केला आपको पड़ेगा, खाना चाहिए पूरे दिन में, 2 सर्विंग चाहिए आपको, 2 सर्विंग पड़ेगी आपको 10 रुपए की, मतलब 2 केले आपको 10 रुपए के पड़ेंगे, उसमें प्रोटीन होगा 0, कार्बोहाइड्रेट होगा 50 ग्राम। 14वां फूड आइटम है वो है एप्पल। सेब चाहिए आपको, एक पूरे दिन में पड़ेगी आपको 10 रुपए की, प्रोटीन होगा 0, कार्बोहाइड्रेट होंगे 25 ग्राम एंड लॉट्स ऑफ फाइबर्स। 15वां फूड आइटम्स है वो है वेजीज, ग्रीन वेजीज आपको चाहिए, 2 से 3 तरह की ग्रीन वेजीज आपको पड़ेगी 10 से 15 रुपए की, प्रोटीन होगा 0, कार्बोहाइड्रेट होगा आपको ऑलमोस्ट 25 ग्राम और लॉट्स ऑफ हेल्दी फाइबर, जो आपका फैट कम करने में, रिड्यूस करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मैंने 15 फूड आइटम्स की लिस्ट बना दी है, और जो इनका बजट बना है आपको कितने रुपीस चाहिए वो बनाया है आपको 217 रुपये, ऑलमोस्ट 215-217 रुपये आपको पूरे दिन में चाहिए अगर आपको एक बेस्ट फिजिक बनानी है। ये बिल्कुल सच है, अगर आप सोच रहे हो कि बिना इन्वेस्ट करे आप तो एक अच्छी फिजिक बना लोगे, पता नहीं कौन से वहम में जी रहे हो आप। तो आपको एक मिनिमम अमाउंट जो था वो है 217 रुपये पूरे दिन में चाहिए एक बहुत फिजिक बनाने के लिए। प्रोटीन आपको 217 रुपये में मिलेगा 165 ग्राम, जो बेस्ट प्रोटीन अमाउंट है। आपको मिलने में प्रोटीन 500 ग्राम भी मिल जाए बट क्या फ़ायदा, पूरे दिन चिकन खाते रहोगे, उसका कोई फ़ायदा थोड़ी है, आप पूरे दिन अफोर्ड करके चिकन खा रहे हो, नहीं। आपको डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स है, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का प्रोटीन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेल्दी फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो मैंने बता दिया है 217 रुपये आपको एक दिन का पड़ेगा, उसमें आपको मिलेगा 165 से 170 ग्राम प्रोटीन, उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा 374 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। पूरे महीने में आपको कितने रुपए चाहिए, पूरे महीने में मतलब 217 × 30 इक्वल 6,510 रुपये आपको पूरे महीने में चाहिए अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है तो। और अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, तो अगर अलग से फूड आइटम से अलग से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट परचेज कर सकते हैं। पूरे महीने में आपको 1 सर्विंग चाहिए, हर दिन आपको 1 सर्विंग चाहिए, तो रोज़ की 1 सर्विंग आपको पड़ेगी ऑलमोस्ट पूरे महीने में 2,000 रुपये की, तो 30 सर्विंग आपको 2,000 की पड़ेगी। एक हेल्दी क्वालिटी ऑफ प्रोटीन आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जिसमें हर स्कूप में आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन, एक बेस्ट प्रोटीन प्रोवाइड हो जाएगा। तो पूरा मंथ का बजट जो है वो आपका 6,510 रुपये, पूरे दिन का जो है 217 रुपये, अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। मेरे को 6 महीने हो चुके हैं मैंने कोई प्रोटीन सप्लीमेंट ऐड नहीं किया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आप भी ना करें, आप न्यूट्रिशन पे जाए, सप्लीमेंट्स पे ना जाए, एक्सरसाइज अच्छी करें, अपना रेस्ट अच्छा ले, आप न्यूट्रिशन फॉलो करें। तो प्रोटीन हो गया है 165 ग्राम, कार्ब हो गया 374 ग्राम, और प्रोटीन कार्ब की जो रेशो है वो हो गया है 2:1। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने बता दिया है, और मैं फिर से बोल रहा हूँ अगर हो सका तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा PDF डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरी डाइट बताई होगी कि ये डाइट इतने रुपए की पड़ेगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बहुत मेहनत से बनाई है तो पसंद तो बिल्कुल आई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल फ्री है। दिस इज रोहित खत्री, ओवर एंड आउट। यस।